एक्सक्लूसिव बातचीत के लिए जुड़ रहे हैं डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, सीनियर लीडर भारतीय जनता पार्टी, और इस केस के अंदर वो वकील भी हैं। मैं सीधा उनका रुख करता हूं। डॉक्टर स्वामी, एनसीपी का ये मानना है, और कार्तिक चिदम्बरम के दोस्त तहसीन हमारे साथ स्टूडियोज में है, उनका ये मानना है कि अगर कोई आरोप है, अगर कोई मामला बनता है तो कार्रवाई करके सिद्ध करे सरकार। व्हाट इज योर टेक? कार्रवाई तो हो रही है, सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट मॉनिटरिंग चल रही है, और सीबीआई ने और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने सील्ड एनवेलप पर आगे के कार्रवाई के लिए पेश की है, जो फ्राइडे को खुलेगा। और चार्जशीट तो मारन और मारन ब्रदर्स का तो हो ही गया है एयरसेल मैक्सिस में। अब चिदंबरम का पूछताछ हुई थी सीबीआई से 6 दिसंबर 2014, और अब ये जो मामला निकली है कार्तिक चिदंबरम के बारे, उससे वो नेक्सस बनती है, यानी जो निष्कर्ष निकलती है कि जो भी उन्होंने FIPB में क्लियरेंस दिया था, उस क्लियरेंस का सीधा फायदा उसका बेटा ने उठाया, तो केस तो अब बन गया है। नहीं, पर एक सवाल उठाया जा रहा है कि जो कंपनी है जिसका नाम है एडवांटेज स्ट्रेटेजिक कंसल्टिंग, उसका कार्तिक चिदम्बरम से कोई लेना देना ही नहीं है। वो झूठ है, वो उसका वो तरीका जो है वो है ऑसब्रिज कंपनी, एक उन्होंने बनाया है वो कंपनी एडवांटेज स्ट्रेटेजिक कंसल्टिंग का मालिक है, और उसका जो शेयर्स हैं वो सब ऑसब्रिज ओन करती है, और ऑसब्रिज को 95% कार्तिक चिदम्बरम ओन करता है, और कार्तिक चिदम्बरम के जो सारे कर्मचारी हैं उनके दफ्तर में सब डायरेक्टर्स हैं एडवांटेज स्ट्रेटेजिक कंसल्टिंग में, जैसे रेड्डी, CNP रेड्डी और रवि, ये चार पांच लोग जो हैं वो उसमें हैं, और ईमेल एड्रेस दोनों कंपनी का एक ही है, यानी एडवांटेज का भी और ऑसब्रिज का भी। जी, मेरे साथ नवाब मलिक है इस डिबेट में। नवाब मलिक कुछ रिएक्ट करना चाहते हैं। नवाब मलिक, 30 सेकंड में आपका पॉइंट क्या है, क्विकली सर। नहीं स्वामी जी, निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट के मॉनिटरिंग में जांच चल रही है, सीबीआई हो या ईडी हो, अगर कोई कानून का उल्लंघन कार्ति का हो, चिदम्बरम साहब का हो, तो निश्चित रूप से मुकदमा उनके खिलाफ दर्ज होगा, चार्जशीट होगी। अब तो डॉक्टर स्वामी ने सुनाएगी, नहीं नवाब मलिक, अब तो डॉक्टर स्वामी ने आपको बता दिया कि कार्ति चिदम्बरम का एडवांटेज स्ट्रेटेजिक के साथ भी लेना देना है, उन जो एडवांटेज स्ट्रेटेजिक के एम्प्लॉइज है वो तमाम डायरेक्टर्स में है। आप बार बार कह रहे थे, आप बार बार कह रहे थे, लेना देना क्या है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है अमीश जी, नो, आप मुझे बोलने दीजिए। सर आप ही बोल रहे हैं, 20 सेकंड अपनी बात कंप्लीट करिए, मेरे पास बाकी भी लोग हैं। सीबीआई के जनरल हैं? नहीं, क्या स्वामी ने कुछ कहा और वो अंतिम है, ये ही तो गलत चीजें हैं। सुब्रमण्यम स्वामी, लेट सीबीआई डिसाइड, लेट ईडी डिसाइड, लेट कोर्ट डिसाइड, उसके बाद बात करिए ना। स्वामी जी ने कह दिया, स्वामी क्या इस देश के धर्म अधिकारी हैं क्या? मैं तहसीन पूनावाला की बात करता हूं, जो काफी देर से डिबेट में नहीं आए। Then I'll take reaction from GVL also. Tehseen Poonawala, क्या आपको लगता है कि इस पूरे मामले में, चलिए गड़बड़ हुई नहीं हुई ये तो सिद्ध होगा बाद में, लेकिन मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बनती है, और ऐसा पीरियड क्या है जो 2006 से 2014 के दौरान ही सारी एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस हुई, और मैंने कुछ फैक्ट भी बताया आपको, 14 देशों में कितनी संपत्ति है। बिल्कुल, जवाब दे देता हूँ। सबसे पहली आपने 2006 से लेके 2014 की बात की, ठीक उसी तरह जैसे 2001 से लेके 2014 में अडानी साहब का बिजनेस बढ़ा, ठीक उसी तरह। जे तो ये बीजेपी इसमें एक्सपर्ट है, तो बीजेपी ये करती, उनको लगता है सब ये करते। दूसरी चीज, स्वामी साहब ने एक कंपनी का नाम दिया होगा, उस कंपनी के डायरेक्टर्स इस कंपनी में डायरेक्टर्स हैं एडवांटेज में। मैं आपके चैनल पर कह रहा हूँ स्पष्ट रूप से, ये बात सही नहीं है। अगर सील्ड एनवेलप में बात सुप्रीम कोर्ट को दी गई है, वो सील्ड एनवेलप के कंटेंट स्वामी जी के पास या पायनियर न्यूज़पेपर में कैसे आ रहे, दिस इटसेल्फ इज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तीसरी बात, अगर आपके पास मनी ट्रेल है, आप उस मनी ट्रेल को मीडिया में, चाहे पायनियर हो चाहे कहां पर भी हो, लीक करने के बदले आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? और चौथी चीज, अरे कार्रवाई तो हो रही है, ओके जीवीएल, ओके जीवीएल, क्विक रिएक्शन फ्रॉम जीवीएल।
जी वेल जो रिएक्शन डायरेक्टर तहसीन पूनावाला साहब, एक सेकंड सर. ओके, ही वांट टू रिबट देयर इज अ इंटरजेक्शन इज अलाउड. तहसीन पूनावाला, कांग्रेस को और एनसीपी को ये बात बहुत चुक रही है कि जो जानकारियां पब्लिक में आ रही हैं या इस प्रकार का मीडिया में क्यों हो रहा है. क्या पहली बार हो रहा है? आपने हमारे ऊपर जब इल्ज़ाम लगाते हैं, आप क्या कोर्ट के फैसले तक इंतज़ार करते हैं? क्या आप कीचड़ नहीं उछालते हैं? जिस प्रकार चिदंबरम ने एक धोखाधड़ी करके कांग्रेस नेताओं ने कॉन्स्पिरेसी करके किस प्रकार हमारे नेताओं को फंसाने के लिए कोशिश किया, क्या ये खुलासे आज मीडिया में नहीं हो रहे हैं? क्या फॉर्मर होम सेक्रेटरी जीके पिल्लई नहीं कह रहे हैं चिदंबरम किस प्रकार, चिदंबरम हो या बाकी नेता हो, कांग्रेस पार्टी के गांधी परिवार के नेता हो, क्या इन सब ने ये नहीं कर रहे हैं? क्या आप कोर्ट के फैसले तक आपने गुजरात में इंतजार किया था? आप इस प्रकार के झूठे आरोप हमारे ऊपर लगाकर आप सालों तक हमारे कीचड़ उछालते रहे, जिप एक को भी आप प्रूव नहीं कर पाए. आपके ऊपर जितने भी कीचड़ है वो सारा सिद्ध हो गया. 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हो, कोयला घोटाले हो, कॉमनवेल्थ घोटाले हो, सारे घोटाले आपके खिलाफ जो है वो कोर्ट के माध्यम से भी ये स्पष्ट हो गए हैं. मैं बोलना चाहता हूं, ये इंडिपेंडेंट एजेंसी जैसे CAG है, CAG इन सब ने सिद्ध किया है. तहसीन, और ऑन पेपर इट सब कुछ क्लियर है. इस प्रकार रॉबर्ट वाड्रा ने विंडफॉल मुनाफा बनाया वो भी CAG रिपोर्ट में है. हमारे खिलाफ आप आरोप लगाने के समय ये सब नहीं सोचते हैं, केवल कांग्रेस हेडक्वार्टर्स में कॉन्स्पिरेसी करके हमारे ऊपर मीडिया का इस्तेमाल करते हैं. जी, क्या मैं बोल सकता हूं आपके खिलाफ इस प्रकार? ओके, यू मेक योर पॉइंट. यू मेक योर पॉइंट. बहुत शुक्रिया है ये बात. अमित जी, क्या मैं बोल कर सकता? अब आपको तकलीफ ज्यादा हो रही है, बीजेपी कह रही है इशरत झा के मामले में तकलीफ नहीं हुई आपको, जब नरेंद्र मोदी और अमित शाह को आपने टारगेट करा था. बिल्कुल कोई तकलीफ, झूठे आरोप लगा बिल्कुल रिप्लाई. तहसीन पूनावाला, क्विक रिप्लाई, मोदी और अमित शाह को किसने? क्विक रिप्लाई नहीं होगा, मैं स्पष्ट रूप से जवाब दूंगा. सबसे पहले जीवेल जी ने जो मोदी साहब पे आरोप लगे उसकी बात किए, और हैरानी की बात है जो लोगों ने मोदी साहब को क्लीन चिट दिया, चाहे वो सत्यपाल सिंह हो चाहे वो कोई और हो, उनको सबको प्लम पोस्टिंग या एमपीशिप दिया गया है. दूसरी बात यह है मीडिया में लीक करने की तो एक्सपर्टीज मोदी गवर्नमेंट की पहले से थी, इसलिए विनोद राय की सीएजी रिपोर्ट लीक होते गई. पायनियर न्यूज़पेपर में कोई विनोद राय को आज नरेंद्र मोदी ने दिया या जनता ने? मैंने आपको नहीं पता, मुझे बोलने दीजिए. उज्जवल निकम किस तरह से सवाल पूछ रहे थे, तो सारी उज्जवल निकम कैसे सवाल पूछ रहे थे तो हमने देखा. डेविड रेड्डी की कन्फेशन इज नॉट एडमिसिबल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ. अब हम आते हैं नरेंद्र मोदी का विरोध करना तो करें, हम बात पर प्लीज मुझे बोलिए. कम से कम अपने अपने देश पे तो विश्वास करें. उज्जवल निकम 26/11 के आरोपी से सवाल पूछ रहे थे, बंद कीजिए और मेरी बात सुनिए. उज्जवल निकम 26/11 के आरोपी से बात कर रहे थे. टेक योर वर्ड्स बैक राइट नाउ. आई वोंट अलाउ यू अगर मेक दीस पॉइंट्स ऑन माय चैनल. Amish ji, I am saying, Amish ji, I will not take my words back. You can do what you want. And number two, agar aapko, main is baat ki responsibility to. Number two, agar, so Amish ji, jaise kehte, seal envelope mein koi cheez Supreme Court ko di jaati hai, wo cheez Pioneer newspaper mein leak ho rahi hai, us cheez पहले से लीक हो रही है जो CAG रिपोर्ट है. सर, आप सब्सटेंस पे बात करिए ना. पायनियर न्यूज़पेपर में लीक हुई, डेविड हेडली पर आप ट्रस्ट कर रहे हैं, उज्जवल निगम पे आप ट्रस्ट नहीं कर रहे. पॉइंट पे बात करिए, पहले उस चीज की जांच कीजिए, फिर आकर आप कांग्रेस को या किसी और को, फिर आकर आप किसी और. आपने गलत फैक्ट दिए. कार्तिक चिदंबरम की हिस्सेदारी नहीं है एडवांटेज स्ट्रेटजी में, हिस्सेदारी निकल रही है. दूसरा पॉइंट, इस तरह जा के मामले की जहां तक आप बात करते हैं, जीके पिल्ले तो जीके मिलने तो इसी देश के नागरिक है, फॉर्मर होम सेक्रेटरी है. वो कह रहे थे कि दो एफिडेविट बने हुए थे, एक एफिडेविट को रोका गया, दूसरे को डाला गया. किसके कहने पर डाला गया? यू वॉन्ट मी टू टेक द नेम ऑल्सो. जीके पिल्ले साहब को भी कोई प्लम पोस्टिंग या अवार्ड मिल जाएगा, आप क्या कर सकते हैं? सरकारी है. ओके, लेट जीवेल रिस्पॉन्ड. आप डिबेट को गलत जगह टर्न करें. जीवेल, 20 सेकंड्स रिप्लाई, अ क्विक रिप्लाई, देन डॉक्टर पाल. अमित जी एंड देन संतोष जो भी आपने सवाल पूछा मैंने जवाब दिया. साफ आरोप लगाए गए, जो भी मीडिया में खबरें आए कांग्रेस के खिलाफ, वो सारे के सारे सिद्ध हो गए.
कपिल सिब्बल जी और बाकी नेता कोशिश करते रहे ये कहने के लिए कि ये जीरो लॉस हुआ स्पेक्ट्रम में, कोई भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं है। लेकिन कन्विक्शन हुए में कहां पकड़े गए? कन्विक्शन हुए, आप एक तो कन्विक्शन गिनाइए, सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करने के लिए आपने सीबीआई को तोता बनाया, सीपीआई का रिपोर्ट को बदल बनाने की आपने कोशिश की, मुझे आपके मंत्री को आपको इस्तीफा दिलवाना पड़ा जी। तो आप कांग्रेस पार्टी पूरे देश भर में जी साहब, आप मुझे कन्विक्शन गिनाइए, आप वही सीबीआई की बात कर रहे जिसने अमित शाह की रिहाई को अपील नहीं की, सीबीआई की बात कर रहे हैं, सारा प्रूफ अवेलेबल है। आप कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता होने में चिदंबरम साहब का कौन सी सीबीआई की बात कर रहे हैं? इसलिए सीबीआई जिसने अमित शाह की ओके ओके जी वे जी मेरे पॉइंट जी वे की बात कर रहे हैं, नहीं आ रहे हैं ओके मैं संतोष भारती दे रहा था कांग्रेस के डिबेट ओके चिदंबरम साहब पे जो आरोप है या उनके बेटे पे जो आरोप है आप कोर्ट में से दोगे? ओके ओके यहां पे जिदा करने से कुछ नहीं होगा, मैं सीधा रुख करता हूं। मैं संतोष भारती, देखिए दो चीजें, संसद में हंगामा हो रहा है, आप देखिए जो कांग्रेस का आरोप है कि स्मृति ईरानी के ऊपर एक विशेष अधिकार हनन का प्रस्ताव लेकर आ रहा था, उस पर हंगामा हो रहा था, टेबल टर्न हो गया और सारा का सारा रुख कांग्रेस के विरोध भी हो गया। क्या आपको लगता है ये सेशन भी वॉशआउट हो जाएगा? और कार्तिक पे चिदंबरम तो फंसे ही है, कांग्रेस भी फंसेगी और फिर संसद भी फंसेगी, यानी काम नहीं होगा संसद के अंदर। व्हाट इज योर टेक? देखिए सेशन तो मुझे लगता है कि सेशन शुरू होने से पहले ये तय हो गया था कि वॉशआउट हो जाएगा, नंबर वन। उसका जिम्मा और तोप का मुंह भी बदल गया, एक मिनट, नहीं वो सब कुछ ठीक है, लेकिन इसको उलझाने में सबसे बड़ा काम भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ मंत्री का है, उलझाने का काम एक। लेकिन मैं दो लोग ये सुलझने के लिए उलझाए या उलझने के लिए सुलझाए? एक मिनट मेरी जान, एक मिनट सुन लो, मैं ये जो लोग बार बार जर्नलिस्टों के ऊपर अटैक कर रहे हैं ना, इनको मैं समझाता हूँ। हमारा काम ही है पूनावाला साहब कि जो चीज़ दबी हो, छुपी हो, किसी के सामने ना आ रही हो, उसको सामने आना, और गोपी बहुत अच्छे जर्नलिस्ट हैं, इसलिए चूंकि उसका मालिक बीजेपी का MP है, आप उस रिपोर्ट को खारिज नहीं कर सकते। चंदन मित्रा हिमसेल्फ इज अ रिनाउंड जर्नलिस्ट, दैट इज समथिंग सेपरेट, खारिज नहीं कर सकते। चंदन मित्रा इज अ बीजेपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इफ इज अ बीजेपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हिज स्टोरी कांट बी ट्रू, एक मिनट, दैट इज द पॉइंट। एक मिनट, एक दुर्भाग्य की चीज है, देयर इज अ नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ कांग्रेस हु इज ओनर ऑफ अ रिप्यूटेड न्यूज़पेपर, एक तो क्या उनकी स्टोरी गलत होगी अगर वो बीजेपी के अगेंस्ट स्टोरी करेंगी तो? Can we say all these things on air? एक छोटी सी साहब से और कहें, कुल मिलाकर के हम लोगों को चाहे इधर से हो चाहे उधर से हो, गाली इसीलिए पड़ती है क्योंकि हम छुपी हुई चीजें बाहर लाते हैं। कांग्रेस के जमाने में कांग्रेस की लाते थे, बीजेपी के जमाने में बीजेपी की लाते हैं, इसलिए हमारे ऊपर तो गालियां पड़े, इससे बढ़िया हमारा तमगा कोई हो नहीं सकता। अगर जर्नलिस्ट को गाली पड़ रही है और लोग विरोध में ज्यादा बोल रहे हैं तो यानी वो अपना काम ठीक से कर रहा है। डॉक्टर पंत, योर फाइनल वर्ड ऑन डिबेट, क्या आपको लग रहा है कि जो पार्लियामेंट सेशन चल रहा था स्मृति ईरानी पर, कांग्रेस बिल्कुल जिसे हम कह सकते हैं पूरा फोकस स्मृति ईरानी पे कांग्रेस ने कर दिया था, टेबल टर्न हुआ है, चाहे वो AIDMK ने कराया या बीजेपी ने कराया पार्लियामेंट के अंदर? व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? नहीं देखिए, मुझे लगता है कि स्मृति ईरानी पर हमला हुआ था या चिदंबरम पर हमला हुआ था और इस दोनों के बीच में संसद की ऐसी तैसी हो गई, मुझे लगता है इसमें मेरी कोई दिलचस्पी भारत के नागरिक के रूप में नहीं है। मुझे लगता है जो बात तहसीन कह रहे थे उसको ध्यान से रेखांकित किया जाए, यदि आरोप में जरा भी दम है तो कानूनी कार्रवाई में तत्काल जरा भी विलंब नहीं होना चाहिए। और जहां तक मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है, मेरा मानना है कि सार्वजनिक जीवन में सिर्फ कानूनी और गैर कानूनी की लड़ाई नहीं होती, नैतिकता का प्रश्न, परंपरा का प्रश्न और जनतंत्र की परंपरा के निर्वाह का प्रश्न उतना ही महत्वपूर्ण है। और आदमी की विश्वसनीयता निश्चित रूप से चिदंबरम की इसमें घटी है। अभी एक चैनल पर कहा जा रहा था यदि पिल्लई और चिदंबरम में चुनना हो तो विश्वसनीय ज्यादा पिल्लई को माना जाएगा, भले ही तहसीन भाई कहें कि उन्हें भविष्य में कुछ गाजर मिलने वाली है। जी मैं भविष्यवाणी ले लेता हूँ जीवीएल से। जीवीएल लास्ट पॉइंट, जीके पिल्लई को आप कोई प्लम पोस्ट दे रहे हैं, एक तो बता दीजिए, दूसरी चीज क्या आपको लगता है सेशन अब ठीक से काम करेगा या फिर आपको लगता है कल भी चिदंबरम पे हंगामा होगा? 10 seconds जीवीएल, 10 seconds। देखिए हमारी भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल चाहती है सत्ता संसद सुचारू रूप से चले, हमारी कोशिश रही है और आगे भी रहेगी। हर विषय पर चर्चा करने के लिए हम हर समय तैयार हैं। थैंक यू जीवीएल, चिदंबरम पर भी यदि देखिए जब आरोप लगते हैं तो उनका खंडन भी होता है और जब खंडन होता है तो फिर दोबारा आरोप लगते हैं।
लेकिन इस पूरे मामले में जांच के बाद आरोप लग रहे हैं।